जिस रामपुर में आजम खान का बोलबाला था वहां अपना बूथ तक हार गए आजम खान, मिले थे सिर्फ 87 वोट। वहीं जनपद रामपुर में विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आजम खान अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। वहीं आपको बता दें आजम खान का बूथ रजा डिग्री कॉलेज में है। उपचुनाव में बूथ पर मात्र 189 वोट पड़े हैं, जिसमें 96 वोट बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी आसिम राजा को मात्र 87 वोट ही मिल पाए थे। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आए थे। मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की, लेकिन रामपुर सीट पर सपा को हार का सामना करना पड़ा। रामपुर उपचुनाव में सपा की इस कदर से हार हुई है कि आजम खान अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। वहीं आपको बता दें जिस रामपुर सीट पर आजम खान के बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता था, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हार झेलना पड़ी। रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। साथ ही आपको बता दें ये वही सीट है जहां से आजम खान 10 बार विधायक रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम राजा हार गए। वहीं आपको बता दें आजम खान का बूथ रजा डिग्री कॉलेज में है। उपचुनाव में बूथ संख्या 5 पर मात्र 189 वोट पड़े, जिसमें 96 वोट बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी आसिम राजा को मात्र 87 वोट ही मिल पाए। वहीं आइए अब सुनते हैं भाजपा नेता बाकर खान और क्या कह रहे हैं। मैं बाकर अली खान, मैं ये कहना चाहूँगा विधानसभा उपचुनाव में जो भाजपा की जीत हुई है उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। खास तौर से जो मोहम्मद आजम खान जो पूर्व विधायक हैं उनके बूथ से समाजवादी पार्टी हार के गई है। समाजवादी पार्टी को 86 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से 97 वोट मिले हैं। ये एक उनके लिए भाजपा के लिए बहुत अच्छी बात हुई है कि वहाँ से उनके गढ़ से जिसको कहते हैं आजमगढ़, वहाँ से हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। मुसलमान अब जाग चुका है रामपुर का, और आने वाले चुनाव में ये जो इनके 86 वोट हैं ये भी नहीं रहेंगे, सब भाजपा को मिलेंगे। 4 साल बाद जो चुनाव होगा सब भाजपा के होंगे।